नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद पूनम में। दोस्तों आज मैं आपको आलू की बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स बताने वाली हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आलू को बॉईल कर लिया है। आपके पास जो भी आलू हो वो बॉईल कर ले। हमारे पास लाल वाला था तो हमने उसी को कर लिया है। आपके पास सफ़ेद हो तो आप उसको भी कर सकते हैं, किसी भी आलू से ये बन जाएगा। अब हम आलूओं को थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के थोड़ा ठंडा कर लिए हैं, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन इसको अब हम छील लेंगे सारे आलूओं को। उसके बाद इसको हम मैश करेंगे। तो मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ और उसको मैं जो बड़ा वाला हमारा बर्तन है उसी में मैं इसको मैश करूँगी। तो मैश करने का ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा है, इससे आपके आलू में एक भी गुठली नहीं रहेगी, बहुत ही स्मूथ सा बैटर इससे निकलता है। और जब भी आपको किसी तरह की इस तरह का स्नैक्स बनाना हो जिसमें आपको गुठलियाँ नहीं चाहिए तो आपके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। और अगर आलू ठंडा हो गया हो तो सबसे पहले इसको कद्दूकस कर लीजिए और फिर इसमें डाल के उसको छानिए। और अभी देखिए, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको हाथ से ही करूँगी, हाथ से और जल्दी से हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको हाथों से अच्छी तरह से छान के निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालें, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा इसमें हमने हरा धनिया डाल दिया है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर आप आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं क्योंकि इसका एक रोटी के तरह डो लगाना है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए आटा लगाया जाता है सेम तरीके से इसको हम करेंगे। बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना हम इसको रोटी की तरह बेल सकें। तो अभी देखिए ये तैयार हो चुका है। अब चलिए, हम आटे को देखिए ले लिए हैं और इसका हम दो हिस्सा करेंगे। एक हिस्से को हम इसमें जिस तरह से रोटी बेली जाती है उसी तरह से बनाएंगे, न तो ज़्यादा मोटा होना चाहिए न तो बहुत पतला होना चाहिए, मीडियम साइज़ का इसको आप बेल के तैयार करें। तो थोड़ा सा सूखा हमने इस पर लगा दिया है कॉर्नफ्लोर, आप चाहें तो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम देखिए बेल लेंगे और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो आप इसको चाहे तो ऐसे ही जिस तरह से चाकू से स्क्वायर किया जाता है उस तरह से कर सकते हैं, या फिर किसी गिलास वगैरह से या कुकी कटर हो उससे। तो मेरे पास एक स्टार का जो कुकी कटर था मैंने उसी से कट कर लिया है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो रहा है। सारे को हम इसी तरह से कट करके रख लेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा होगा, जो दूसरा आटा है, उसमें हम मिला के और उसको भी हम कट कर लेंगे। तो अभी इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद जो बचा हुआ आटा है उसका भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो अभी देखिए सारे हमने तैयार करके रख लिए हैं और उधर हमने तेल रख दिया है जो कि गर्म हो रहा है। अब तेल हमारा जैसे ही गर्म हुआ हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब एक एक करके हम इसको डालेंगे इसमें और उसके बाद हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है, अगर आप एक बार बनाएंगे तो जब भी आपको किटी पार्टी या फिर बच्चों का बर्थडे या कुछ ऐसे ही स्नैक्स खाने का मन करे तो आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया है गोल्डन होने तक और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से ये फूलता है और खाने में तो इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आपको पता है बन भी जाता है ये और एक नया लुक भी देता है। तो इसी तरह से अच्छी तरह से इसको हम गोल्डन कर लेंगे और जब ये थोड़ा सा कुरकुरा हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। चाहे आप चटनी के साथ करें या चाय से खाएं या फिर टोमेटो सॉस के साथ करें, कैसे भी करें खाने में मज़ा तो आता ही है।
अब इस तरह से हमने देखे निकाल लिया है इसको, और उसके बाद हमने जो बचा हुआ था उसको भी डाल के और सारे को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। और आपको दिख रहा होगा ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में, स्टार की तरह जैसे लग रहा तारे चमक रहे हों। तो इसके हम डाल के दोबारा भी इसको हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे सारा। और इतना ही आप डालें तेल में जितना कि ये आपस में चिपके ना, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा न डाल दें क्योंकि जब बहुत ज़्यादा होगा तो आपस में चिपक जाएगा। और तेल आपको गर्म रखना चाहिए तभी ये स्नैक्स आपका अच्छे से बनेगा। क्योंकि जब हमने पहली बार इसको बनाया है तो हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैंने तेज़ करके फिर से तेल को गर्म करके फिर दोबारा इसको डाला है। तो अब देखिए ये भी तैयार हो चुका है, गोल्डन हो गया है। और इसको भी हम प्लेट से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम जो और बचा होगा उसको भी फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितने कम आलू में कितने सारे स्नैक्स बन के तैयार हो रहे हैं। अगर आप इसको बच्चों को टिफ़िन में देंगे तो भी वो बड़े मन से खाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। बस इतना है कि अगर बच्चों के लिए बनाना है छोटे, तो आप इसको मिर्ची इसमें न डाल के थोड़ी सी काली मिर्च का यूज़ कर लें। अब सारे हमने बना लिए हैं और अब चलिए हम इसको सर्व कर देते हैं। तो देखिए आपको कितना सुंदर लग रहा है, दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा सा फूल के तैयार हुआ है। और ये कुरकुरा भी होता है क्योंकि हमने इसमें जो कॉर्नफ्लोर डाला है उससे थोड़ा सा ये कुरकुरा भी हो जाता है। तो इसको हम सर्व कर देते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के एक बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।